So here today, in this video, now we are discussing about sericulture. Okay, so sericulture क्या है? What is sericulture? अगर ये definition पूछा जाए, so definition सबसे पहले ऊपर में लिखा है, then कुछ informational points लिखा है, ठीक है? तो definition देखो, the production of silk from the silkworm, ठीक है? This is an insect, silkworm is an insect, by rearing practices, by practicing how to rearing मतलब पालना, ठीक है? तो कैसे पालना है इस silkworm को, ठीक है? वो methodology क्या है, वो भी आज हम लोग discuss करेंगे कि तुम silkworm को कैसे पालोगे and क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड्स है जिससे हम लोग सिल्कवॉर्म से सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है? सो द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्कवॉर्म एन इंसेक्ट बाय रियरिंग प्रैक्टिसेस ऑन कमर्शियल स्केल, और सिंपल डेफिनेशन, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, दिस इज कॉल्ड सेरिकल्चर. ओके, सो व्हाट इज सेरिकल्चर? योर डेफिनेशन इज राइट हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिल्कवॉर्म वर डिस्कवर्ड इन चाइना बाय लॉर्डजू एम्प्रेस ऑफ क्वांगटी इन 2697 बिफोर क्राइस्ट बीसी. ओके, सो इंफॉर्मेशनल पॉइंट है, एंट्रेंसेस में आता है. इंडिया रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ठीक है? मैसूर कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ सिल्क इन इंडिया. ओके, अदर देन दिस, अगर कोई और स्टेट है जो सिल्क का प्रोडक्शन करता है, देयर इज आसाम, बंगाल, मद्रास, पंजाब, कश्मीर, यहाँ पे तुम लोग मध्य प्रदेश भी लिख सकते हो. मध्य प्रदेश इज also a state which produces silk. So these are the other silk producer states in India other than Karnataka. ठीक है, कर्नाटका सबसे ज्यादा produce करता है, but in states में भी production होगा. Silk production in India इतना tons होता है per year. ठीक है, so these are all informational point. Now we will look into the types of silk. Okay, जो present है in the world and उनमें से क्या क्या हमारे इंडिया में present है वो भी अभी हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम लोग अभी टाइप ऑफ सिल्क के बारे में बात कर रहे हैं, एंड जब हम लोग टाइप ऑफ सिल्क के बारे में बात करते हैं, वी गेट फोर टाइप्स ऑफ सिल्क. ठीक है, और एक और पॉइंट याद रखना ये है कि ये जो फोर टाइप्स ऑफ सिल्क है, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर ऑल दिस फोर टाइप्स ऑफ सिल्क इज फाउंड. ओके, अदर देन इंडिया, बाकी कोई भी कंट्री जो भी सिल्क का प्रोडक्शन करता है, उन कंट्रीज में ऑल द फोर टाइप्स ऑफ सिल्क का कल्टीवेशन हो पाना एनवायरमेंटल कंडीशन फेवर नहीं करता है, बट इंडिया में इट इज पॉसिबल. ओके, एंड यू कैन सी आई हैव रिटन हियर अबाउट द फोर टाइप्स ऑफ सिल्क. पहला हम लोगों ने लिखा है टसर सिल्क, व्हिच इज दिस पर्टिकुलर सिल्क इज आल्सो कॉल्ड एज कोशा इन लोकल लैंग्वेज. ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टसोर, टुसूर, ये सब नाम है इसका लोकल लैंग्वेज में. इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम ओक फीडिंग लार्वा ऑफ दिस सिल्क मॉट. ठीक है, मॉट जो होता है, ये मॉट एक बटरफ्लाई के जैसा दिखने में होता है. ठीक है, जनरली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हेयरी बॉडी, लुक्स लाइक अ हेयरी बटरफ्लाई. ओके, इसका ये मॉट जो है, ये एक इंसेक्ट है. इंसेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है एनिमल किंगडम में, दैट इंसेक्ट हैज व्हाट, सम डेवलपमेंटल स्टेजेस इन देयर लाइफ. एग, एग से क्या होगा लार्वा, लार्वा से क्या होगा प्यूपा, प्यूपा से क्या होगा एडल्ट. ठीक है ना, तो इस तरीके का डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस इस पर्टिकुलर सिल्क मॉट जो है वो एग्जिबिट करता है. और ये सिल्क मॉट जब कैटरपिलर के लेवल पे होता है, माने लार्वा के जब लेवल पे होता है, दैट इज द टाइम जब ये प्रोड्यूस करता है क्या, सिल्क. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिल्क मॉट इज एन इंसेक्ट, इट लुक्स लाइक अ हेयरी बटरफ्लाई. दिस इंसेक्ट एग्जिबिट्स मेटामॉर्फोसिस. दिस इंसेक्ट हैज डिफरेंट स्टेजेस इन इट्स लाइफ हिस्ट्री. ओके, एंड फ्रॉम एग इट बिकम्स अ लार्वा व्हिच इज कॉल्ड एज कैटरपिलर. कैटरपिलर से एक स्टेज आएगा प्यूपा, इंटरमीडिएट स्टेज, प्यूपा से ये एडल्ट बनता है. जब एडल्ट बनता है तब देखने में हेयरी बटरफ्लाई के जैसा होता है. तो जब ये लार्वल स्टेज में रहता है, कैटरपिलर के स्टेज में रहता है, तब ये सिल्क प्रोडक्शन करता है. लेकिन वो सिल्क प्रोडक्शन ये जो करेगा, उससे हम लोग ऑब्टेन कैसे करेंगे, वो मेथोडोलॉजी में समझ में आएगा. अभी नहीं चाहिए, अभी बस जनरल कैरेक्टर याद रखना है. दे आर फाउंड ऑन साल एंड ओक ट्रीज, क्योंकि साल एंड ओक ट्रीज जो होता है उसी में ये लोग क्या करता है, फीडिंग करता है, उसी चीज को ये लोग खाता है. मुगा सिल्क, इट इज, अच्छा ये जो टसर सिल्क है ना, इट इज प्रोड्यूस बाय टसर सिल्कवॉर्म. तो टसर सिल्कवॉर्म जो है उसका साइंटिफिक नाम ये है, एंथेरिया रॉयले. ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिफिक नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी कैरेक्टर याद रखो ना रखो, साइंटिफिक नाम याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आता है. ठीक है, मुगा सिल्क, इट इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम. ठीक है, एक्सक्लूसिवली आसाम में ये नेचुरल कंडीशन में ये सिल्क वॉर्म जो है वो थ्राइव करता है, ग्रो करता है. बाकी आसाम को छोड़ के बाकी कहीं पे भी नेचुरल कंडीशन में ये ग्रो नहीं करता है इंसेक्ट. हाँ, आर्टिफिशियल कंडीशन करके तुम आसाम के जैसा एनवायरमेंट क्रिएट करके तुम बना सकते हो, उसमें कोई दूसरा वो हो सकता है, आर्टिफिशियल लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल लेवल पे ये सिर्फ आसाम में ही
ग्रो करता है और आसाम में ही इसका सिल्क प्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो मुगा सिल्क इट इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम, इट इज गोल्डन येलो इन कलर, मुगा का कपड़ा सबको पता है गोल्डन येलो वाला शाइन रहता है, एंड सुपीरियर टू टसर सिल्क, इससे बेटर है इन ग्लॉस शाइन एंड अदर क्वालिटीज। अदर क्वालिटीज में तुम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ये सब बोल सकते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ माने कपड़ा का स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, वो बहुत हेवी है इन कंपैरिजन टू टसर। इट इज एन एक्सीलेंट मटेरियल फॉर एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी तो पता होगा ड्रेसेस वगैरह में एम्ब्रॉयडरी रहता है। दे फीड ऑन ओक ट्रीज, ठीक है, कौन किस ट्री के ऊपर फीड करता है ये जानना बहुत जरूरी है। मुगा सिल्कोम जो है उसका साइंटिफिक नाम है एंथेरिया आसामा, ठीक है। नंबर थ्री में है एरी और अरुंडी सिल्क, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नाम होगा, ठीक है, एरी सिल्कवॉर्म या अरुंडी सिल्कवॉर्म, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है एटाकास रिसिनी। ये सिल्क का साइंटिफिक नाम नहीं है, ये इस सिल्क का जो सिल्कवॉर्म है, मैंने और यहाँ पे एरी सिल्कवॉर्म बोल के नहीं लिखा है इन ऑर्डर टू सेव स्पेस। तो एरी सिल्कवॉर्म जो होगा उसका साइंटिफिक नाम है एटाकास रिसिनी। इट फीड्स ऑन कैस्टोर लीव्स, ठीक है, कैस्टोर सबको पता है, ड्राई फ्रूट बनता है कैस्टोर। द फिलामेंट्स आर वेरी डेलिकेट सो That the yarn is spun like cotton. ये एरी सिल्क जो है ये सबसे चीपेस्ट सिल्क है, ठीक है, क्योंकि इसका टेंसाइल एंड स्ट्रेंथ इज वेरी पुअर, शाइन इज वेरी पुअर, द मेटेरियल द सिल्क इज हाईली डेलिकेट, ठीक है। तो इसलिए इससे हम लोग सिल्क गारमेंट्स के टाइप का कुछ नहीं बना सकते, इसको जनरली कॉटन गारमेंट्स के जैसा हम लोग गारमेंट बनाते हैं इससे उसी तरीके का गारमेंट बनता है, बिकॉज ऑफ इट्स डेलिकेट नेचर, बहुत डेलिकेट होता है इजिली, मतलब स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर सिल्क, ठीक है। नंबर फोर पे है मलबेरी सिल्क, बॉम्बिक्स मोरी, मलबेरी सिल्क वर्म का नाम बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, और इसी का ही लाइफ साइकिल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मेथोडोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सिल्क वर्म को रियर किया जा सकता है, पाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इट फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स, इसलिए ठीक है ना मलबेरी नाम मिला है। ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल सिल्क, मलबेरी सिल्क का भी एक ऑल्टरनेट नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल सिल्क, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ सिल्क, बाकी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ये वाला सिल्क है, एंड ये वाला सिल्क सबसे ज्यादा कल्टिवेट भी किया जाता है, यूज भी किया जाता है, और सबसे एक्सपेंसिव सिल्क मलबेरी सिल्क होता है, ठीक है। सो दीज आर योर फोर टाइप्स ऑफ सिल्क, फोर टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है, विद देयर साइंटिफिक नेम एंड सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स विच आर डिस्कस्ड हियर, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। सो मेक नोट्स, यहाँ पे देखो अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया है बिफोर वी गो इनटू द मेथोडोलॉजीज और लाइफ साइकिल, उससे पहले कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लिया है, स्पेशली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है उनके बेसिस पे। ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स में इन दोनों पॉइंट से काफी क्वेश्चन आता है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो एंट्रेंस हो। इन ब्रह्मपुत्र वैली मुगा सिल्क वर्म, ठीक है, सेबा का जो क्वेश्चन पेपर आता है, आसाम हायर सेकेंडरी काउंसिल का जो क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगा सिल्क वर्म को आसाम में क्या ट्रीज के ऊपर फीड करवाया जाता है, क्या ट्रीज के ऊपर उनको रियरिंग पाला जाता है, ठीक है। सो मुगा सिल्क वर्म इज फीड ऑन एरोमेटिक सोम प्लांट लीव्स, प्लांट का नाम देखो सोम है, सोम प्लांट लीव्स, मेचिलस बोम्बाइसिना इज द नेम ऑफ द प्लांट जिसके ऊपर, ठीक है, अपर आसाम रीजन में, ठीक है, मुगा सिल्क वर्म का कल्टिवेशन या रियरिंग होता है। Whereas in lower Assam, the Muga silkworm are fed on swallow plant, जिसका scientific नाम है Lytsia polyantha, ठीक है। तो ये point बहुत important है, ये board में भी काफी आता है, ठीक है। तो ये point को ध्यान से और नाम और scientific name को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, depending upon the number of crops of silkworm, ये इस बार CBSE में ये question आया था, cocoons raised per year, sericulture is univoltine, ठीक है, bivoltine, multivoltine, ठीक है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म हैविंग वन ब्रूड और जेनरेशन पर ईयर, कोई कोई सिल्कवॉर्म ऐसा है जो क्या करता है, एक साल में एक ही बार वो फर्टिलाइजेशन करेगा, एक साल में एक ही बार वो क्या करेगा, बच्चा देगा, ठीक है। ये तो इस तरीके का है, बाइवोल्टाइन मल्टीवोल्टाइन, ठीक है। तो ये जो यूनिवोल्टाइन है, बाइवोल्टाइन है, मल्टीवोल्टाइन है, इसका रिलेशन ये है कि एक सिल्कवॉर्म एक साल में कितना बार हम लोग को सिल्क प्रोड्यूस करके दे सकता है, ठीक है ना, उसके पीछे बहुत सारा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। जो प्लांट के ऊपर इस सिल्क वर्म का, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म पासेस थ्रू फोर स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, वो मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला था। तो ये जो लार्वा है, ये लार्वा अपने ऊपर सिल्क बनाता है, कैसे बनाता है वो आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन ये लार्वा है वो जो अपने ऊपर सिल्क बनाता है, ठीक है ना। तो ये जो लार्वा अपने ऊपर सिल्क बनाएगा, ठीक है, तो ये जो
एडल्ट है वो एडल्ट एग ले करेगा, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से पीपा, पीपा से वापस एडल्ट, है ना। तो एडल्ट जब एग्स ले करता है वो एक साल में कितना बार ले करता है? अगर एक बार करता है यूनिवोल्टाइल, क्योंकि उसका एक ही बार जेनरेशन आएगा, एक साल में एक जेनरेशन आएगा, तो एक साल में उस पर्टिकुलर स्पीशीज से हम लोगों को एक ही बार सिल्क मिलने मिल सकता है। जबकि कोई ऐसा भी स्पीशीज होगा जो बाइवोल्टाइल होगा, जिससे हम लोग साल में दो बार हम लोग सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं, या जो साल में दो बार फर्टिलाइजेशन करेगा, एग्स देगा, या उसका हैचिंग होगा, उसका लाइफ साइकिल साल में दो बार हो सकता है। मल्टीवोल्टाइल कोई ऐसा भी है जो साल में बार बार एग्स ले करेगा, बार बार उसका लार्वा बनेगा, और उस लार्वा से हम लोग साल में बहुत टाइम, दो तीन चार बार, तीन चार बार हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये यूनिवोल्टाइल, बाइवोल्टाइल, मल्टीवोल्टाइल, इससे काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये अच्छे से ये पॉइंट भी पढ़ना। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवर्म पासेस थ्रू फोर स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो अभी हम लोग लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे सिल्क बनता है और उस सिल्क को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरा एक लाइफ हिस्ट्री के जैसा इसको पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द एडल्ट, कि दो एडल्ट को हम लोगों ने पकड़ लिया है, अब ये दो एडल्ट के बीच में कैसे लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा, एक मेल और एक फीमेल, उनमें कैसे लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा, कैसे कुकून का फॉर्मेशन होगा, और हम लोग सिल्क कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट्स बना लो। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने लाइफ साइकिल का डिस्कशन स्टार्ट किया है सिल्कवर्म का, और इसी लाइफ साइकिल से हम लोग रियरिंग को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले मैंने क्या लिखा है, एडल्ट फीमेल, ठीक है, एक केज के जैसा होता है अगर हम लोग रियरिंग कर रहे हैं। अगर नेचुरली हो रहा है तो ये फिनोमिनन तो नेचुरली भी होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग रियरिंग कर रहे हैं तो हम लोग एक बॉक्स लेंगे, उस बॉक्स में हम लोग नीचे एक व्हाइट पेपर डाल देंगे, उसके अंदर हम लोग एक मेल एंड फीमेल को डाल देंगे, ठीक है। फीमेल जो है, फीमेल का जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो फीमेल विल रिलीज अ फेरोमोन व्हिच इज अ यू कैन से सेक्स एक्टो हार्मोन, ठीक है, जो सेक्सुअली अट्रैक्ट करेगा मेल को, कॉल्ड बोम्बिक्स को, ठीक है। तो एडल्ट फीमेल जो है वो अपने बॉडी से एक फेरोमोन छोड़ेगा जो एक सेक्स एक्टो हार्मोन होगा, ठीक है, जो मेल को अट्रैक्ट करेगा, व्हिच अट्रैक्ट्स मेल, दिस लीड्स टू कोइटस, दिस विल लीड टू कोइटस, ठीक है, दोनों के बीच में सेक्स होगा, सेक्स होगा। उसके बाद फीमेल जो है, फीमेल देन लेस 300 टू 500 एग्स एट ए टाइम, उसके बाद फीमेल 300 से 500 एग, फर्टिलाइज एग शी विल ले, ठीक है। तो वो जो मैंने बोला व्हाइट शीट पे अगर हम लोग रियरिंग कर रहे हैं, अगर जंगल है तो लीफ के ऊपर जो प्लांट, ठीक है, जैसे कि हर एक सिल्कवर्म का अपना एक प्लांट हम लोगों ने देखा, उस प्लांट के लीव्स के ऊपर करेगा। लेकिन अगर हम लोग रियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग रियरिंग के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म रियरिंग एस्पेक्ट, हम लोग रियरिंग एस्पेक्ट से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग पाल, अगर हम लोग सिल्कवर्म पाले, अगर हम लोग सिल्कवर्म को सेरिकल्चर के लेवल पे अगर हम लोग ले जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। लेज एट ए टाइम The eggs are kept in cold storage. ठीक है, अगर rearing करेंगे तो हम लोग cold storage में डालेंगे। अगर ये naturally wild में हो रहा है तो female ये eggs जो है ये कोई leaf में leaf के ऊपर eggs ले कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग rearing कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो हम लोग ये सब करेंगे, eggs को collect करेंगे, ठीक है, जो box के अंदर मैंने बोला male and female को हम लोगों ने घुसा दिया, coitus हुआ, female ने 300 to 500 eggs ले किया, हम लोगों ने नीचे एक white paper रखा था, उस व्हाइट पेपर में एक्स को ले किया, तो उस व्हाइट पेपर में एक्स हम लोग को डिस्टिंक्टली दिखाई देगा, बिकॉज एक्स विल बी वेरी स्मॉल, इसलिए हम लोग व्हाइट पेपर नीचे दे देते हैं उस बॉक्स का, ठीक है। तो उस व्हाइट पेपर में 300 टू 500 एक्स है, हम लोग वो पेपर निकाल लेंगे, निकाल के एक्स को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सब एक्स को हैच होने नहीं दे सकते। सपोज मेरे पास, मैं सेरिकल्चर कर रहा हूं, मेरे पास खुले सिर्फ 10 प्लांट्स है, सपोज मैं क्या बोलते हैं इसको, मलबेरी सिल्कवर्म का मैं कल्टीवेशन करने वाला हूँ, ये सेरिकल्चर बोले बोम्बिक्स मोरी का चल रहा है, तो बोम्बिक्स मोरी मलबेरी प्लांट खाता है, अभी मेरे पास मलबेरी प्लांट कितना है देखना तो पड़ेगा, 300 से 500 एग्स का जब लार्वा निकलेगा वो मलबेरी प्लांट का लीव्स को खाएगा, उतना लीव्स मेरे पास है कि नहीं, वो स्टॉक मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट मैं चांस नहीं लेता हूं, मैं सारा एग्स को कोल्ड स्टोरेज में, क्रायो प्रिजर्व में डाल देता हूं, ठीक है। देन After evaluating the necessary resources, कि मेरे पास कितना food है, इन eggs को जब hatch करके मैं larva बनाऊंगा तब मेरे पास कितना food है इनको खिलाने का, कितना manpower है इनका ख्याल रखने का, ठीक है ना, ये सब resources को मैं evaluate करूंगा, और उस evaluation के basis पे some of the eggs, मान लेते 500 में से 100 eggs को मैं choose करूंगा, are taken and then washed with disinfectant and water.
फिर मैं उन एग्स को डिसइंफेक्टेंट एंड वाटर से मैं वॉश करूंगा सो दैट उन एग्स में कोई डिजीज ना हो, ठीक है ना। एग्स को प्रॉपरली नहीं वॉश करने से बहुत सारा एग्स खराब हो जाता है, क्योंकि उन एग्स का जो शेल होता है उस शेल में कुछ कुछ बैक्टीरिया फंगस वो सब आके डिपोजिट हो जाता है, जिससे वो लोग सिल्कवर्म को बहुत इन्फेक्ट कर जाता है। वो सिल्कवर्म प्रॉपरली कुकून फॉर्मेशन सिल्क फॉर्मेशन बाद में नहीं कर पाता है। इसलिए मैं रिसोर्सेज का इवैल्यूएशन करके मैं कुछ एग्स को चूज करूंगा और फिर उन एग्स को मैं डिसइंफेक्टेंट एंड वाटर से वॉश कर दूंगा सो दैट उनका शेल में अगर कोई बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ ये सब अगर लगा हुआ है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा हुआ है, वो वॉश होकर निकल जाएगा सो दैट इस एग से हैच होकर जो लार्वा निकलेगा उस लार्वा को कोई प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। They are therefore dried indoors and kept in warm condition. Warm condition जरूरी है for hatching, ठीक है ना। मदर जब अंडे के ऊपर वार्म देता है तब अंडा हैच होता है, ठीक है ना। वाइल्ड कंडीशन में भी एक टेम्परेचर होगा उस एनवायरमेंट का, उस जगह का जो इस एग्स को हैच करेगा, तो वो टेम्परेचर हम लोग को आर्टिफिशियल लेवल पे इन एग्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दे आर ड्राइड इंडोर्स, ठीक है, वॉश करने के बाद दे विल हैव टू बी ड्राइड इंडोर्स एंड दे विल हैव टू गेट दैट वार्म कंडीशन। एक लाइट जला देते हैं हम लोग, जिसकी बेकरी में देखा होगा, ठीक है, एक लाइट जला के रखता है जिससे वो खाना जो है वो गर्म रहता है, उसी तरीके का एक लाइट हम लोग जलाएंगे, ठीक है, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जिससे ये एग्स से हैच होके लार्वा बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ का कंटिन्यूएशन मैंने यहाँ पे किया है। एग्स हैच इन 10 डेज, व्हेन यू विल गिव दिस वार्म कंडीशन द एग्स विल हैच इन 10 डेज एंड अ लार्वा इमर्जेस आउट, उस एग से एक लार्वा निकल के आएगा। ये जो लार्वा है इसको हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, द लार्वा आर देन एट वंस शिफ्टेड टू द रेस्पेक्टिव लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, जिस सिल्कवर्म का जो प्लांट है उस प्लांट के लीव्स में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल कंडीशन में तो मदर उसी लीव्स पे अंडा देती है, यहाँ पे तो आर्टिफिशियल कल्चरिंग चल रहा है, तो हम लोग जैसे ही एग्स हैच होगा वो लार्वा को अभी खाना चाहिए, तो लार्वा को हम लोग तुरंत क्या करेंगे, ये जो वार्म कंडीशन जहां पे भी हम लोगों ने दिया है वहां से उठा के हम लोग प्लांट के लीव्स में उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे लार्वा स्टार्ट्स फीडिंग ऑन द लीव्स एंड ग्रोज इन साइज, लार्वा खपाखप लीव खाना स्टार्ट कर देगा और लीफ खाएगा तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये लार्वा अपना लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएगा, ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा। तो लार्वा क्या करेगा, लार्वा अंडरगोस 4 मोल्टिंग, मोल्टिंग मैंने पढ़ाया है इग्डाइसिस मोल्टिंग, ठीक है। तो लार्वा अपना स्किन को शेड करेगा, शेड करके एक नया लार्वा बाहर आएगा, फिर वो ठीक से लीफ को खाएगा, फिर वो अपना एक स्किन शेड करेगा, एक और लार्वा उसके अंदर से आएगा, फिर वो ठीक से खाना खाएगा, इस तरीके से वो 4 मोल्टिंग करेगा और 4 मोल्टिंग करने के लिए उसको 25-30 डेज चाहिए। मोल्टिंग के बाद जो निकल के आता है लार्वा, उस लार्वा को हम लोग क्या बुलाते हैं, इंस्टार। तो पहला जो लार्वा निकला वो पहला लार्वा ने पहला मोल्टिंग किया, पहला मोल्टिंग के बाद जो लार्वा होगा उसको क्या बुलाएंगे, फर्स्ट इंस्टार, फिर सेकंड मोल्टिंग, उसके बाद सेकंड इंस्टार, थर्ड मोल्टिंग, थर्ड इंस्टार, फोर्थ मोल्टिंग, फोर्थ इंस्टार, ठीक है। तो समझ में आया ना, तो पहला जब एग से हैच होके लार्वा निकला वो लार्वा जब भी मोल्टिंग करेगा, फिर जो इंटरमीडिएट लार्वा निकलता है मोल्टिंग के बाद स्किन को शेड करके जो निकलेगा उसको हम लोग इंस्टार बुलाएंगे, ठीक है ना। तो लार्वा अंडरगोस 4 मोल्टिंग्स और 4 मोल्टिंग के बाद का जो इंस्टार है अभी हम लोग वो इंस्टार या वो जो 4 मोल्टिंग के बाद का जो लार्वा है वो लार्वा अभी क्या करेगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक लाइफ साइकिल आई होप तुम लोग को समझ में आया है। तो 4 मोल्टिंग के बाद इस लार्वा में क्या होगा, ये लार्वा उसके बाद क्या करेगा, वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहां तक तुम लोग लिख लो, पैटर्न वाइज लिखना है। अब देखो जैसे कि मैंने बोला फोर्थ मोल्टिंग के बाद का जो लार्वा है उसका डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर द फोर्थ मोल्टिंग द लार्वा दैट इमर्जेस आउट शोज सम स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 4 बार मोल्टिंग करने के बाद जो लार्वा निकल के आएगा, ठीक है ना, 4 मोल्टिंग के बाद का जो लार्वा है वो लार्वा क्या करेगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बॉडी में आ जाएगा। फोर्थ मोल्टिंग करने के बाद उस लार्वा के बॉडी में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आएगा। क्या कैरेक्टर आएगा, द लार्वा डेवलप्स 2 pairs ऑफ ग्लैंड ऑन इट, 2 ग्लैंड इस लार्वा के बॉडी में डेवलप होगा। ये है वो कैटरपिलर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज दैट कैटरपिलर, और ये कैटरपिलर के बॉडी में देखो दो ग्लैंड का डेवलपमेंट हुआ, ये एक ये दूसरा, दोनों ग्लैंड का कुछ कुछ ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लैंड, पहला पेयर ऑफ ग्लैंड जो है वो एक इधर है एक उस तरफ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 2 pairs ऑफ ग्लैंड हम लोगों ने बोला है, तो यहाँ पे हम लोग को ये एक पेयर, ठीक है, ऐसे करके हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो एक ये एक है एक उस तरफ है, ठीक है ना, ये जो होल है वो इस ग्लैंड का ओपनिंग है, ये सब ग्लैंड नहीं है, ये सब ग्लैंड का ओपनिंग है। तो यहाँ पे ये एक ग्लैंड है, ठीक है, ये एक ग्लैंड है, इसका सेम ग्लैंड एक उस तरफ है,
सिमिलरली ये ग्लैंड इसका एक ग्लैंड उस तरफ है, उस तरीके से टू पेयर्स हुआ, यहाँ पे तो वन पेयर दिखाई दे रहा है, एक पेयर उस तरफ है क्योंकि हम लोगों ने कैटरपिलर को लेटरल वे में ड्रॉ किया है, तो इस लेटरल साइड में हम लोग को वन मतलब ये एक पेयर दिखाई दे रहा है, सिमिलरली उस तरफ एक पेयर उस तरफ भी होगा, ठीक है ना। अच्छा तो फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लैंड, ठीक है, जिसका एक इधर है एक उस तरफ है, इसके उस तरफ, ठीक है, पीछे उस तरफ। तो फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लैंड इज अ सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, इट गिव्स आउट अ प्रोटीनेशियस सिक्रेशन, प्रोटीनेशियस एंड विस्कस लिख सकते हो, प्रोटीनेशियस एंड विस्कस सिक्रेशन, ठीक है, ये जो पहला ग्लैंड है उससे निकल के आता है थ्रू स्पिनरेट द पोर्स, ये जो पोर्स हम मैंने ड्रॉ किया है ब्लैक ब्लैक में, उन पोर्स को हम लोग स्पिनरेट बुलाते हैं, तो उस स्पिनरेट या उन पोर्स के थ्रू निकल के आता है एक प्रोटीनेशियस सिक्रेशन, एक जेली लाइक सिक्रेशन निकल के आएगा। This secretion hardens on exposure to the air. ये secretion जैसे ही बाहर निकलेगा, ये air के contact में आएगा, ये hard हो जाएगा, ठीक है? This results in the formation of 1000 to 1200 meters long silk thread. तो ये जो first pair of gland है, जो एक salivary gland है, उस salivary gland का spin rate से pore जो है, उसके थ्रू जब भी एक viscous saliva का secretion जैसे ही निकल के आएगा और air के contact में आएगा, वो एक एयर के कंटेक्ट में आने से वो हार्ड बन जाएगा, एक फाइबर के जैसा बन जाएगा, एक थ्रेड के जैसा बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड पेयर ऑफ ग्लैंड, ये एक इधर एक उस तरफ है, सेकेंड पेयर ऑफ ग्लैंड सिक्रेट्स अ गमी सब्सटेंस कॉल्ड सेरिसिन, ठीक है। सेकेंड पेयर ऑफ ग्लैंड सेरिसिन रिलीज करता है, एक गमी सब्सटेंस रिलीज करता है। फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लैंड रिलीजेस सम काइंड ऑफ प्रोटीनेशियस सिक्रेशन, जो एयर के कंटेक्ट में आने से हार्ड होके थ्रेड के जैसा बन जाता है। अब देखो क्या करेगा, कैटरपिलर स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड इन द लीफ, जो लीफ को वो खा रहा है उस लीफ में वो क्या करेगा, घूमना शुरू करेगा, रिवॉल्व करना शुरू करेगा, और उस रिवॉल्व करने से क्या होगा, इधर से वो क्या कर रहा है, प्रोटीनेशियस फ्लूइड छोड़ रहा है, इधर रिवॉल्व कर रहा है, प्रोटीनेशियस फ्लूइड बाहर निकल रहा है, एयर के कंटेक्ट में आने के साथ साथ फाइबर बन रहा है और वो घूम रहा है, तो फाइबर उसके बॉडी में क्या हो रहा है, रैप अप हो रहा है कि नहीं, और रैप अप होने में मदद कर रहा है कौन, सेरिसिन द गमी सब्सटेंस। कैटरपिलर घूम रहा है और इधर से वो प्रोटीनेशियस फ्लूइड छोड़ रहा है, वो प्रोटीनेशियस फ्लूइड उसके बॉडी से बाहर निकलते ही वो सिल्क थ्रेड बन रहा है और वो घूम रहा है और गमी सब्सटेंस भी छोड़ रहा है, तो गमी सब्सटेंस इस सिल्क थ्रेड को क्या करेगा, बॉडी में रैप अप कर देगा, तो उसके बॉडी में जो सिल्क फाइबर बन रहा है वो रैप होने लगेगा, ठीक है ना, वो रैप तो समझ में आता है ना, उसके बॉडी के इर्द गिर्द वो लपेटने लगेगा, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द रैपिंग द फाइबर्स इन द बॉडी, तो फाइबर्स उसके बॉडी में रैप अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा ये वाला पोर्शन कि क्या ग्लैंड डेवलप होता है, एक ग्लैंड फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा ग्लैंड गामी सब्सटेंस, और कैटरपिलर घूमना शुरू करेगा, तो गामी सब्सटेंस फाइबर को बॉडी में रैप अप करना शुरू करेगा, यही फाइबर सिल्क फाइबर है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कुकून ओवर इट, कुकून इज अ फाइबर का बैग, तो वो अपने पूरे बदन के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर ये कैटरपिलर क्या करेगा, एक कुकून का कवरिंग चढ़ा लेगा, ठीक है, एक फाइबर का कवरिंग चला लेगा, ऐसा लगेगा कि एक फाइबर के अंदर वो घुस गया है, एक फाइबर का बैग के अंदर, जैसे कि हम लोगों के घर में जब हम लोग सुई और धागा खरीद के लाते हैं तो धागा कैसे रैप अप होता है, एक एक समझ में आया ना, एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर जो धागा है वो रैप अप होता है, तो उसी तरीके से, ठीक है, ये कैटरपिलर जो है उसे धागा के अंदर वो घुस जाएगा, उसको हम लोग कुकून बुलाते हैं, जो धागा का एक घर के जैसा बना लेगा जिसके अंदर वो घुस जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कुकून, ठीक है। तो अब कुकून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आई होप समझ में आ गया, अब इसके आगे क्या होगा वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कुकून फॉर्म हो जाने तक हम लोगों ने छोड़ा था, तो आफ्टर द कुकून फॉर्मेशन इज डन, ठीक है, आफ्टर द कुकून इज फॉर्म्ड, कैटरपिलर टेक्स 10 टू 15 डेज टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा, उसी कुकून के अंदर जो कैटरपिलर है वो 10 टू 15 डेज लेगा, लेके वो प्यूपा में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, प्यूपा में कन्वर्ट करने के बाद अगर ये वाइल्ड कंडीशन में अगर नेचुरल लाइफ साइकिल चलते रहता तो क्या होता, प्यूपा बनने के बाद अंडर नेचुरल कंडीशन The pupa then takes more 10 to 12 days or 10 to 12 days लेता and emerges as an adult moth, ठीक है। तो पहले कुकून फॉर्म होने के बाद अगर ये कुकून नेचुरल कंडीशन में फॉर्म होता तो उसके बाद 10 to 15 days में ये प्यूपा बनता, उसी कुकून के अंदर कैटरपिलर प्यूपा बनता, और फिर प्यूपा बनने के बाद और 10 to 12 days के बाद वो एडल्ट बन जाएगा, बन के वो कैटरपिलर एडल्ट बनने के बाद वो जो कुकून है उस कुकून को वो फाड़ देगा, फाड़ के एडल्ट बाहर निकल के आएगा, जो एडल्ट बाहर निकल के आएगा उसका विंग्स होगा वो देखने में एक बटरफ्लाई के जैसा होगा, ए हेयरी बटरफ्लाई ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन
अभी अगर तुम सोच सकते हो हाँ सर तो अच्छा ही तो है, वो एडल्ट बन के निकल गया, एडल्ट बन के निकलने के बाद जो वो कुकुन रह जाएगा उस कुकुन को लेके हम लोग सिल्क बना लेंगे, नहीं होगा। एडल्ट अगर वो बन जाता है, बन के अगर वो खुद कुकुन को फाड़ के बाहर आता है, तो वो जो कुकुन का जो सिल्क होता है वो सिल्क डीनेचर हो जाता है, वो सिल्क का प्रोटीन जो है वो सिल्क का प्रोटीन ब्रेक होने के कंडीशन में आ जाता है। दैट मीन्स हम लोग क्वालिटी सिल्क या हम लोग बोल सकते हैं कि सिल्क फाइबर हम लोग प्रॉपरली ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं। वो जो सिल्क फाइबर एडल्ट कुकुन को फाड़ के बाहर आने के बाद जो सिल्क फाइबर रह जाएगा उस कुकुन में, वो सिल्क फाइबर हमारे काम का नहीं है, वो सिल्क फाइबर फ्रेजाइल होता है, ठीक है, वो सिल्क फाइबर इजिली टूट जाता है। कुकुन फॉर्मेशन होने के तुरंत बाद हम लोग को उस कुकुन से सिल्क को ऑब्टेन करना है, नहीं तो अगर उसको हम लोग एडल्ट बनने के लिए छोड़ दे और एडल्ट बनने के बाद अगर हम लोग सोचे हम लोग कुकुन को ऑब्टेन कर लेंगे, उससे हम लोग फाइबर निकाल लेंगे, तो वो फाइबर एकदम फ्रेजाइल फाइबर होगा, उस फाइबर से हम लोग सिल्क गारमेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये है नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन में कुकुन बनने का 10-15 डेज में उस कुकुन के अंदर कैटरपिलर प्यूपा बनेगा, प्यूपा बनने के बाद उस कुकुन के अंदर रह के ही और 10-12 डेज लगा के वो एडल्ट बनेगा, फिर कुकुन को फाड़ देगा, फाड़ के एडल्ट बाहर आएगा, उड़ के चला जाएगा, कुकुन वहां पे रह जाएगा, उस कुकुन का कोई काम नहीं है, उससे हम लोग सिल्क गारमेंट्स नहीं बना सकते, उससे हम लोग फाइबर्स को नहीं निकाल सकते। इट इज अ वेरी फ्रेजाइल काइंड ऑफ थिंग, उसका कोई काम नहीं होता है। तो अगर हम लोग कल्टिवेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ये नेचुरल कंडीशन का पॉइंट मैंने दे दिया। हम लोग जब उसको पाल रहे हैं तो हम लोग को तो क्वालिटी कुकुन चाहिए, हम लोग तो ये इमोशनल नहीं हो सकते कि वो एडल्ट बन के निकल के चला जाए, उसका भी लॉस नहीं, हमारा भी लॉस नहीं, हम लोग उसके बाद उससे उस कुकुन से हम लोग सिल्क निकाल लेंगे, वो सिल्क हमारा काम का नहीं होगा। तो हम लोग वी कांट अलाउ दिस टू डू दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, द प्यूपा इज किल्ड इन साइड द कुकुन बाय डिपिंग द कुकुन इन हॉट वाटर और बाय हॉट स्टीम। हम लोग कुकुन बनने का 10-15 डेज तक हम लोग वेट करेंगे, वेट करने के बाद हमको पता है उसके अंदर वो प्यूपा बन चुका होगा, तब तक हमारा सिल्क जो है, जो कुकुन में लपेटा हुआ हमारा सिल्क फाइबर से, वो सिल्क फाइबर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला फाइबर होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, उस कुकुन को लीफ से उठाएंगे और उठा के ले जाके गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में डालने के साथ साथ अंदर का जो प्यूपा है वो मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा, अंदर का प्यूपा मर जाएगा। द कुकुन इज देन ऑप्टेड, फिर हम लोग उस कुकुन को फाड़ के हम लोग प्यूपा को बाहर निकाल लेंगे। द प्यूपा इज इधर ईटन, ठीक है, एसामीज लोग हम लोगों या एसामीज का कुछ ट्राइब्स है जो लोग कैटर ये खाते हैं, सिल्क वर्म को खाते हैं, तो वो प्यूपा खाते हैं वो लोग, ठीक है, वो प्यूपा को वो लोग फ्राई व्राई करके खा लेंगे या फिर उस प्यूपा को फेंक देंगे, लेकिन मेन जो वो कुकुन उसके ऊपर था उस कुकुन को हम लोग ऑप्टेन कर लेंगे, ठीक है। द कुकुन को ऑप्टेन करने के बाद बहुत सारा कुकुन तुमने ऑप्टेन कर लिया, वो देखने में छोटा 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 उल बॉल के जैसा लगेगा, छोटा छोटा उल बॉल्स WWL उल बॉल्स के जैसा देखने में होगा। द कुकुन इज देन सेंट फॉर प्रोसेसिंग, फिर उस कुकुन को हम लोग इंडस्ट्री में भेज देंगे प्रोसेसिंग करने के लिए। इंडस्ट्री में क्या करेगा, वो कुकुन का जो थ्रेड्स है 1000-1200 मीटर लॉन्ग, द थ्रेड्स आर आइसोलेटेड एट फर्स्ट एंड ए यार्न इज मेड, उन थ्रेड्स को वो लोग ऑब्टेन करेगा, उस थ्रेड का जो जो भी उसका रिलिंग था उस रिलिंग को वो सीधा करेगा, इंडिविजुअल थ्रेड्स को ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है, एंड ए यार्न इज मेड, यार्न तो पता है उल बॉल, घर में देखा होगा उल बॉल, तो उल को बॉल को जैसे रैप करके उसको यार्न बोलते हैं, तो यार्न बनाया जाएगा। The fibers are then weaved to make garments. उस फाइबर से फिर कपड़ा बना लिया जाएगा, जो भी सिल्क का कपड़ा बनाना है उस कपड़ा को बना लिया जाएगा। Garments is made. Garment बनने के बाद, ठीक है, देखो थोड़ा सा ना ऐसे 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 आया है, तो थोड़ा ध्यान से देखना नोट बनाने के टाइम में। गारमेंट बनने के बाद द सिल्क क्लॉथ इज देन बॉइल्ड, सिल्क क्लॉथ को फिर से हम लोग बॉइल करते हैं एंड रिमूव एक्सेस ऑफ नेचुरल गम, सेरिसिन प्रेजेंट है कि नहीं उस कुकुन में, ठीक है ना, वो एक्सेस गम एक्सेस सेरिसिन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। That is degumming of silk. इस टेक्निक को हम लोग क्या बुलाते हैं, इस टेक्निक को हम लोग बुलाते हैं degumming of silk. ठीक है, वो सिल्क गारमेंट बना लेने के बाद कुकुन को हम लोग इंडस्ट्री भेज देंगे, इंडस्ट्री में कुकुन का थ्रेड निकाल लेगा, उस थ्रेड से कपड़ा बना लेगा, फिर उस कपड़ा को हम लोग फिर से बॉयल करेंगे, बॉयल करके उससे एक्सेस गाम हम लोग निकाल लेंगे। ये निकालने की वजह से क्या होगा, इट लीव्स द सिल्क जो गारमेंट बनाया है सॉफ्ट, लास्ट्रस शाइन ज्यादा आएगा एंड रिड्यूसेस इट्स वेट। ये मेन पॉइंट है, डीगमिंग क्यों करते हैं, वेट रिडक्शन के लिए, क्योंकि गम अगर ज्यादा रह जाएगा उस गारमेंट में तो गारमेंट बहुत हेवी हो जाएगा, सिल्क का क्लॉथ ऐसे ही बहुत हेवी होता है, और अगर हम लोग डीगमिंग नहीं करेंगे तो वो और हेवी हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गम, तो एक्सेस गम नहीं चाहिए, तो एक्सेस गम को हम लोग हटा देते हैं, डीगमिंग करते हैं, जिससे हमारा सिल्क सॉफ्ट बनता है, एक टेक्सचर आता है,
ठीक है, वेट भी कम हो जाता है, इजी टू वेयर, लास्ट्रस, एक शाइन भी आएगा, ये सब आता है। तो ये हम लोग करेंगे, ये हम लोग करेंगे अगर हम लोग सिल्क वॉर्म रियरिंग कर रहे हैं तो। और अगर नेचुरल हो रहा है तो नेचुरल कुकुन फॉर्मेशन होने के बाद 10 टू 15 डेज में प्यूपा, उसका 10 टू 12 डेज में एडल्ट मॉट, फिर एडल्ट मॉट कुकुन को फाड़ देगा, फाड़ के वो बाहर निकलेगा, निकल कूद के चला जाएगा। उस कुकुन से हम लोग सिल्क नहीं बना सकते, वो हमारे काम का नहीं है, वो फ्रेजाइल है। तो हम लोग इस कैटरपिलर को प्यूपा बनने तक अलाउ करेंगे और प्यूपा को एडल्ट बनने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। प्यूपा जब वो बन जाएगा तभी हम लोग उसको गर्म पानी में डाल के मार देंगे, मार के प्यूपा खा लेंगे या प्यूपा को फेंक देंगे, उसके ऊपर का कुकुन को लेके हम लोग इंडस्ट्री में भेज देंगे, इंडस्ट्री उसका क्लॉथ बना के डिगमिंग करके हमारा गारमेंट रेडी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लाइफ साइकिल डिस्कस किया, सेरिकल्चर कैसे किया जाता है वो डिस्कस किया, दो चार डिजीजेस है वो डिस्कस करना है, देन दिस इज डन। ओके, मेक नोट्स। सो दीज आर द डिजीजेस ऑफ सिल्कवॉर्म दैट यू शुड नो, बिकॉज ये सब डिजीजेस जब भी एक सिल्कवॉर्म को होगा, एक कैटरपिलर को होगा, उससे हमारा नुकसान है, क्योंकि ये तीनों डिजीजेस होने से वो जो कैटरपिलर है वो प्रॉपरली एक कुकुन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से ये तीन डिजीजेस ऐसा डिजीज है कि अगर ये कैटरपिलर को, सिल्कवॉर्म का कैटरपिलर को अगर हो गया तो हमारा ही लॉस है, क्योंकि तब वो कैटरपिलर प्रॉपरली रिलिंग या फिर जो वो कुकुन फॉर्मेशन करता है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला देखो डिजीज का नाम है पेब्राइन, इट इज कॉज बाय प्रोटोजोआ नोसेमा बोम्बाइसिस, प्रोटोजोआ कॉज करता है, वेयर सिल्कवॉर्म बिकम्स अनेबल टू स्पिन सिल्क थ्रेड स्पिन नहीं कर पाता है। ठीक है, लार्वा गेट्स इन्फेक्टेड एंड हैज ब्राउन डॉट्स ऑन इट्स बॉडी, इस तरीके का लार्वा तुमको जब भी दिखाई देगा उस लार्वा को तुमको हटाना है, बाकी लार्वा से मिलने से रोकना है, उसको मारना है। क्यों? क्योंकि ये डिजीज एक एपिडेमिक डिजीज है, इट्स ए हाईली ट्रांसमिसिबल डिजीज, एक लार्वा से दूसरा लार्वा में ये हो सकता है या होने का चांसेस है। नेक्स्ट है मस्कार्डिन, जिस डिजीज को हम लोग कैल्सिनो भी बुलाते हैं, कॉज बाय फंगस स्पाइकेरिया एंड बोट्रिटिस, ये दोनों फंगस ये डिजीज कॉज करता है, स्किन इन्फेक्शन होगा, इंटरफेयर्स विद मोल्टिंग, क्योंकि मोल्टिंग को अगर इंटरफेयर किया जाए तो मोल्टिंग हो ही नहीं पाया, अगर तो वो फोर्थ मोल्टिंग नहीं होगा तो वो जो ग्लैंड्स बनता है जिसके मदद से ये लार्वा अपने ऊपर कुकुन बनाता है वो ग्लैंड्स ही नहीं बनेगा, तो ये स्किन इन्फेक्शन करके मोल्टिंग के साथ इंटरफेयर करता है, बिकॉज ये लार्वा जब भी मोल्टिंग करता है तो वो अपना पुराना स्किन को छोड़ देता है और बाहर आता है, फिर स्किन छोड़ देता है बाहर आता है, स्किन में इन्फेक्ट कर देगा तो मोल्टिंग नहीं हो पाएगा, मोल्टिंग नहीं हो पाएगा तो ग्लैंड्स नहीं बन पाएगा, ग्लैंड्स नहीं बन पाएगा तो कुकुन कहां से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेशरी, ये एक वायरस कॉज करता है बिकॉज ऑफ द ईटिंग ऑफ कंटामिनेटेड और इन्फेक्टेड लीव्स। ठीक है, अगर जो प्लांट में हम लोगों ने डाला है उस प्लांट में बोले इन्फेक्टेड लीव्स है और वो इन्फेक्टेड लीव्स जो है वो इन्फेक्टेड लीव्स बोले कोई वायरस से इन्फेक्टेड है, लीव्स में तो वायरस इन्फेक्शन होता है, और वो लीव्स बोले इसने खा लिया, खा लेने से इट मेक्स द कैटरपिलर टर्न डार्क ब्राउन इन कलर, कैटरपिलर का कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा एंड इट फेल्स टू फॉर्म कोकून। ठीक है, फिर से वो क्या होगा, उसका जो ग्लैंड्स बनेगा इसमें जो लार्वा है वो लार्वा मोल्टिंग कर जाएगा, लेकिन जो फोर्थ मोल्टिंग करने के बाद का जो लार्वा है, ठीक है, वो लार्वा स्टेज 5 का जो लार्वा है वो लार्वा के बॉडी में जो दो ग्लैंड बनेगा वो दो ग्लैंड का जो सिक्रेशन होगा वो सिक्रेशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिक्रेशन नहीं होगा, जिसके वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ कुकुन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, डिजायरेबल अमाउंट ऑफ कुकुन का फॉर्मेशन नहीं होगा, धागा वो लपेटेगा, धागा वो बनाएगा लेकिन वो कम बनेगा। ठीक है, जिसमें हमारा इकोनॉमिकल लॉस है। तो ये तीन डिजीज हम लोग पढ़ते हैं अंडर सिल्क वॉर्म, बिकॉज हम लोग को सिल्क वॉर्म से हम लोग को सिल्क चाहिए, और ये तीनों डिजीज होने से वो कुकुन फॉर्मेशन को इंटरफेयर करता है, एंड कुकुन से ही तो हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो हमारा लॉस है। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से ये तीनों डिजीजेस को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्क वॉर्म का डिस्कशन खत्म होता है। टुमोरो आई विल गिव द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग एपिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज रियरिंग ऑफ हनीबीज। ठीक है, मेक नोट्स, स्टडी प्रॉपरली, थैंक यू।